तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कितने एक्टिविटी देखा था? तीन एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसके फॉर्मेट को समझना, फिर उसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमने देखा था कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक करंट एसेट्स का, एक करंट लाइबिलिटी का। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है कि करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट नहीं होता, और करंट लाइबिलिटी में कौन सा पार्ट नहीं होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बताया था। इसके बाद हम आगे बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम चेक करते हैं एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लास्ट क्लास में बस बेसिक बेसिक देखा था, तो जो बच्चे जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास भी होगी उनको भी समझ में आएगा। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है इसके अंदर, ठीक है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिख रहा, कोई नहीं, वो दिख जाएगा, आप टेंशन मत लो। जिनको जो बच्चे कह रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिख रहा, आप दिख जाएगा उनको, ठीक है। दूसरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना जो है, पहले भी एक बार मैंने ना करवाया था, तो जो आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वो लाइव क्लास में से ही देखना है। इसके अंदर मैं दोबारा करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, बी कॉम ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ ये पूरा, और प्रोग्राम के अंदर जो कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा। तो कैश फ्लो मैं दोबारा करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट भी लूँगा, तो इसलिए आपको जो कैश फ्लो देखना है ना वो सिर्फ किस में से देखना है? आपको लाइव क्लास के अंदर से देखना है, ठीक है ना। बाकी ये सभी बच्चों के लिए सेम रहता है, बेनिफिशियल रहता है, वो चीज़ देखेंगे। तो सर, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम? स्टार्टिंग में हम तीनों एक्टिविटी लेके करेंगे, तो ऊपर लिखना है कैश फ्लो, आप समझते जाइएगा, नोटिंग सबसे लास्ट में टाइम दूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम ऊपर टॉप पे लिखते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, और इसका मतलब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं। तो जिनको विजुअल नहीं है मैं दिखा दूंगा बस, क्योंकि मुझे पहले ये लीजिए, आपको विजुअल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आएगा पर्टिकुलर और अमाउंट, एक कॉलम और बनाते हैं हम यहां पे ना डिटेल का, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे यूज करना है। सबसे बड़ा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम नाम देंगे ए पार्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को नाम दिया हमने ए पार्ट, और यहां लिखा हमने कैश फ्लो फ्रॉम, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं कई बार, तो आप उसको समझिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बेसिकली तीन हिस्से में बांटेंगे, तो देखते जाइएगा, हेडिंग जो होगा मैं अलग मार्कर से लिखूंगा। इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक एक पॉइंट को देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे। नेट प्रॉफिट बाहर लिखना है, और ये भी आफ्टर टैक्स वाला, आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। अब आपको हमेशा नेट प्रॉफिट, मैं यहां समझाता जाऊंगा और साथ के साथ मैं इरेज भी करता जाऊंगा, बस ये समझने वाली चीजें, नोट करने वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट आपको दो जगह गिवन हो सकता है, या तो आपको गिवन हो सकता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, या आपको गिवन हो सकता है ये बैलेंस शीट में। सर, मैक्सिमम 99% आपको नेट प्रॉफिट कहां गिवन होगा? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, तो सर बैलेंस शीट में किस तरीके से गिवन होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमेशा हमेशा 2 साल का डेटा चाहिए होता है आपको। पहला शेयर कैपिटल होगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मिलेगा आपको, और यहां सरप्लस के नाम से मान लेते हैं 5 लाख और 6 लाख। तो सर यहां पे नेट प्रॉफिट क्या कंसीडर करेंगे, 5 लाख लिखें या 6 लाख? तो हमेशा इनके बीच का डिफरेंस लिया जाएगा। तो पहले इस वाले एग्जाम्पल में कितने लिखने वाले यहां पर हम? 1 लाख। मैं लिखता जाऊंगा और मिटाता भी जाऊंगा, आपको समझना है सिर्फ। दूसरे पार्ट की बात करें हम, तो सर अगर ऐसा हो यहां भी 5 लाख और यहां भी 5 लाख,
तो कितना लिखेंगे यहां नेट प्रॉफिट ब्लैंक, यहां जीरो आ जाएगा क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है कंपैरेटिवली। सर अगर ऐसा हुआ 5 लाख और माइनस का 6 लाख, तो जब माइनस का 6 लाख है तो इसका मतलब होता है लॉस। तो सर अब कितने लिखेंगे हम, तो देखिए 5 लाख पहले था और उस 5 लाख को तो आपने जीरो किया ही किया, 6 लाख और कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में यहां आएगा 11 लाख का लॉस। आप पिछले वाले एग्जांपल को याद करिए, 5 से जब 5 रखा तो बोला जीरो, क्योंकि जो 5 था उसको आपने गवाया नहीं। जैसे ही आप 5 से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूं, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा क्विकली चेंज कर रहा हूं, मैंने 5 से 4 लाख किया, लॉस नहीं है सिर्फ मैंने 5 से 4 लाख किया, तो आप बोलोगे सर 1 लाख का लॉस है, समझे? 5 है, वैसे है प्रॉफिट लेकिन कंपैरेटिवली 1 लाख का क्या माना जाएगा, समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं 5 लाख से माइनस 1 लाख कर दूं तो लॉस कितने का किया आपने, दिमाग लगाओ, 6 लाख। तो इसका मतलब जब माइनस प्लस होता है डिजिट तो प्लस हो रहा है, आपने यही तो किया 5 लाख और 1 लाख, क्योंकि नेगेटिव साइड में इसलिए क्या ले गए हम, लॉस। और कॉन्सेप्ट वाइज समझिए आप कि पहले 5 लाख कमाया था वो रखे हुए थे, उसको तो मैंने गवा ही दिया तो 5 लाख तो गए लॉस में, और 1 लाख और एक्स्ट्रा करके बैठ गए, तो जेन्युइनली देखा जाए तो कितने का लॉस है हमारा, 6 लाख का, ठीक है ना? तो इस तरीके से सर और कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, बिल्कुल मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए का लॉस है और यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट है, तो बताइए कितने लाख रुपए कमाए होंगे मैंने। देखो ये 5 लाख का लॉस है, ये लॉस तो सारा कमाया होगा, तभी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है? देखो पहले कितने का लॉस था, दिमाग लगाओ, 5 लाख का, उस लॉस को रिकवर किया तो कितना कमाया, 5 लाख, और बोल रहे सर 1 लाख रुपए और कमा लिए तो टोटल कितना कमा लिया, 6 लाख। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा, 6 लाख का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में स्किप हो जाते हैं, तो ये कुछ आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका पता होना चाहिए। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट में गिवन होगा तो यहाँ 1 साल का डेटा गिवन होगा, वही उठा के यहाँ पुट करना है, हम इस टाइप के एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट करने के लिए जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, प्रॉपर आपके पास टाइम मिलता है आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर नेट प्रॉफिट लिखने के बाद इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है। ऐड क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में DEP लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं स्टार भी बना देता हूँ, ये एडजस्टमेंट का पार्ट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट से निकलेगा। और क्या ऐड हमें करना है, गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ। सर एक बार ये भी समझा दो, देखो मैं फॉर्मेट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ ताकि हमारा आगे काम आसान हो जाए, है ना? जैसे गुडविल कहाँ होता है जनरली, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में होता है ना गुडविल आपका। अब यहाँ पे 2021 और 2022 है, मैंने कहा गुडविल 1 लाख और यहाँ लिखा है आपका 50,000, इसका मतलब 50,000 रुपये, या मैं 60 कर देता हूँ तो इसका मतलब 40,000 रुपये का गुडविल कम हो गया, इसको राइट ऑफ बोला जाएगा। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, 40,000। लेकिन अगर ये 1 लाख से 2 लाख होता है तो ये राइट ऑफ थोड़ी हुआ, ये तो बढ़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है ना कि फाइनेंसिंग का। सर बाय लॉजिक बताइए, आपको याद होगा गुडविल कभी भी सेल्फ जनरेटेड तो आता नहीं बैलेंस शीट में, खरीदा हुआ आता है। तो पहले आपके पास 1 लाख रुपए का अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खरीदा होगा, और अब गुडविल आपके पास 2 लाख का शो हो रहा है तो 1 लाख का और खरीदा ही होगा ना, और खरीदा कहाँ होगा, किसी ने कंपनी को खरीदा होगा आपने, तो इन्वेस्टमेंट ही किया होगा, तो इसलिए ये किसका पार्ट माना जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। समझ पा रहे हो बात आप? तो गुडविल अगर डिक्रीज, मैं कह दूं डिक्रीज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना 60,000, तो मैं कह दूं डिक्रीज या राइट ऑफ चलेगा, सेम बात है, यहाँ आ जाएगा गुडविल। पहला वाला पार्ट बाहर, बाकी सब पार्ट इंटरनल में। ये क्या है सर, डिटेल का है। इसके बाद और क्या होगा, जनरल रिजर्व इंक्रीज। सर जनरल रिजर्व इंक्रीज का मतलब मान लेते हैं जनरल रिजर्व यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ 6 लाख, तो बढ़ गए ना, इसे क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व
इंक्रीज होना, ये यहाँ पे आ जाएगा। सर ऐसे ही अगर देखा जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है, 5 लाख से 4 लाख हो सकता है, बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। तो क्या होगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा तो माइनस में लिख देना है आपने, ठीक है। चलिए सर, जनरल रिजर्व के बाद और क्या हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैं पूरे पॉइंट्स लिखूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट है आपके, इसमें से कुछ एक पॉइंट ही कंसिडर किए जाते हैं एग्जाम में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपको पता है कोई एसेट्स बेचा तो उस पर लॉस हुआ, और क्या होगा हमारा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, अगर लॉस बाय फायर हो चाहे थेफ्ट हो, कोई भी हो नुकसान, एबनॉर्मल लॉस बेसिकली, वो क्या हो जाता है इसमें ऐड हो जाता है। और क्या ऐड होगा सर, इंटरेस्ट। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे आइटम वो हैं जो ऐड करे हैं मैंने, वो नॉन कैश आइटम है, आपने लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको याद होगा लास्ट क्लास याद होगा ना, तो मैंने कहा था नॉन कैश आइटम क्या हो जाते हैं, तो ये सारे एग्जांपल जितने भी है तो आप देखो किसी में कैश जा ही नहीं रहा, ना तो गुडविल रिटर्न ऑफ में कैश जा रहा है, ना डेप्रिसिएशन में जा रहा है, ना जनरल रिजर्व इंक्रीज में जा रहा है, ना लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ना लॉस बाय कैश का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। अब क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो या डिबेंचर कह लो, कोई भी हो सकता है, इसको भी यहां पे ऐड कर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो। सर इस पे भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद सर और क्या हो सकता है, इंट्रिम डिविडेंड, इंट्रिम डिविडेंड, सर इंट्रिम डिविडेंड अगर आप पेड करेंगे तो ये भी यहां पे आ जाएगा, इंट्रिम डिविडेंड भी यहां पे आ जाएगा। सर इंट्रिम डिविडेंड क्या होता है, जब हम एडजस्टमेंट में आएंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करके फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या इसके अंदर ऐड हो सकता है सर इंट्रिम डिविडेंड के बाद, और क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिख देता हूं, वैसे ये नॉन कैश में जाना चाहिए, अलग से लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर इसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक मैं लिखने जा रहा हूं। या तो यहां पे होता है हमारा करंट ईयर, सी वाई मतलब करंट ईयर, या फिर यहां पे मेड आएगा, ये एडजस्टमेंट का टॉपिक है, एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, हॉट एडजस्टमेंट माना जाता है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे जब एडजस्टमेंट सीखेंगे तब। इसके बाद कुछ बातों को लेस किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स को यहां पे लेस किया जाता है। सर क्या क्या लेस किया जाएगा, जैसे डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, यानी जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है सब माइनस हो जाएगा, या फिर रेंट रिसीव्ड माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स पे आपने बेचा और वहां प्रॉफिट हुआ, वो भी क्या होगा, माइनस। एनी काइंड ऑफ, जैसे कि लॉस बाय फायर से नुकसान था, इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल गेन भी होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्लियर। चलिए सर ये हमारा फर्स्ट, अभी तक एक भी हेडिंग जनरेट नहीं हुआ, इसके बाद यहां हमारा पहला हेडिंग जनरेट होगा और उस हेडिंग का नाम होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर टोटल करने का प्रोसेस भी देखना है आपने ध्यान से, ठीक है ना। तो इसको यहां से यहां लेके चलेंगे, इसके इस जो लिखा है ना ये लाइन, इससे लाइन से देखो मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर लेके चलेंगे और इन सभी को माइनस प्लस करते करते यहां लेके आएंगे, और इसको टोटल करेंगे तो हमें रिजल्ट सामने मिलेगा कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये है। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे की कहानी आगे है। सर इसके आगे की कहानी क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडलेस किया जाएगा, और आप सभी के पास देखिए रजिस्टर है, तो आप सभी को क्या करना है, एक ही पेज में टू बी कंटिन्यू जितना हो सकता है एक साथ फॉर्मेट नोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा डिटेल, यहां पे आ जाएगा अमाउंट, और यहां पे पर्टिकुलर।
वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसी के नीचे कंटिन्यू ये है। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल आप याद हो तो करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, यानी जहां पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल में आप मुझे छोटी सी बात बताना, एक लॉजिक ट्रिक है याद रखने का। मान लेते हैं एसेट्स, एसेट्स जब बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए क्या है? फायदा, गुड है। गुड और बैड में जवाब देना, आप कमेंट में जवाब देना। मैंने कहा बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है, बताओ गुड होगा या बैड होगा? बताइए कमेंट में फटाफट, गुड होगा या बैड होगा? गुड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एसेट्स, बिजनेस का लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो क्या होगा? यह भी बिजनेस का लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो यह भी क्या होगा? गुड होगा, बिल्कुल सही। लाइबिलिटी घटना, यहां जवाब आया बैड। लाइबिलिटी घटने की बात कर रहा हूं, तो लाइबिलिटी जब घटेगा, डिक्रीज होगा, तो यह भी बिजनेस के लिए गुड है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, तो बताइए कमेंट में क्या होगा? लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा हो तो क्या होगा? बैड होगा। क्या होगा? ये बैड होगा। तो सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे हमें कुछ चीजों को ऐड करना होता है। ऐड क्या करेंगे? जो चीजें हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैड होता है ना, उसको ऐड करते हैं। मैं लॉजिक भी बताऊंगा। तो यानी यहां पे ऐड क्या करेंगे? करंट एसेट्स का अगर क्या हो, डिक्रीज, और क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटी का क्या हो, इंक्रीज। लेकिन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में क्या ध्यान देना है, किसको कंसिडर नहीं किया जाता? करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसिडर, और करंट लाइबिलिटी में बीओडी, बैंक ओवर ड्राफ्ट को। सर लेस में करंट एसेट्स अगर क्या हो और करंट लाइबिलिटी या क्या हो, सर डिक्रीज इंक्रीज मतलब डिफरेंस, ठीक है ना। अब सर अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना हमारा, वो बात करता है अगर आपका इनफ्लो हो रहा हो तो आप प्लस कर दीजिए, अगर आपका आउटफ्लो हो रहा हो, रीजंस पता चल रहा हो तो माइनस कर दीजिए। अगर आउटफ्लो हो रहा हो और रीजन पता हो तो क्या कर दीजिए? आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो आप, पहला पॉइंट मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। पहले मेरा डेटर था 1,00,000 रुपए का, फिर डेटर हो गया 80,000 रुपए के। घटने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बैड डेट्स हो गया होगा या पैसे मिल गए होंगे, है ना। तो अब बताओ, आप बैड डेट्स को छोड़ दो, पहले 1,00,000 का डेटर था, अब डेटर हो गया 80,000, मीन्स 20,000 मिले। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो इनफ्लो हो रहा है, दैट्स वाई डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाता है? एड। बाई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अगेन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, हमने उधार माल खरीद लिया, ठीक है, उधार माल खरीद लिया। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना हमारा ऐड क्यों हो रहा है? मान लेते हैं हमने शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, उससे थोड़ा टाइम, मान लेते हैं 11 महीने के लिए कोई लोन लिया, तो उससे क्या होगा? हमारे पास पैसे आएंगे, करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? करंट एसेट्स का इंक्रीज होना माइनस क्यों हो रहा है? मान लेते हैं पहले मेरे पास स्टॉक 5,00,000 का था, अब स्टॉक 6,00,000 का है, तो क्या मतलब समझे कि 1,00,000 का स्टॉक और खरीदा है? जब 1,00,000 का खरीदा है तो पैसे दिए होंगे, दैट्स वाई मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। इसके बाद करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, पहले मेरा क्रेडिटर 6,00,000 का था, अब 3,00,000 का है, तो क्या मैं समझूं? पेमेंट करा होगा 3,00,000, डिक्रीज होगा क्रेडिटर, तो इसलिए क्या कर दिया? माइनस। तो सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट्स आपको गुड और बैड के फॉर्मेट में याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं आता आपका। जैसे ही आप इसको करते हो एक नए हेडिंग और जनरेट हो जाता है यहाँ पे, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही चल रहा है। क्या न्यू जनरेट होता है? कैश जनरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। सर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? देखिए ये वाला टोटल है, इन सभी को एडलेस करके यहां लिखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा ये वाला टोटल कंटिन्यू जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक काम और करना होता है, माइनस कर देते हैं इनकम
टैक्स, यानी या तो आप कह लो प्रीवियस ईयर का या कह लो आप पेड, और प्लस कर देते हैं इनकम टैक्स अगर रिफंड हो, अगर रिफंड हो तो सर इसमें क्या जवाब देना है आपने, ये वाला डायरेक्टली बाहर लिखना है, अगर माइनस होगा अगर प्लस होगा। तो ये जो आंसर निकल के आएगा, अब जाके निकल के आएगा हमारा, या तो ये आएगा हमारा निकल के पॉजिटिव में आंसर, सबको जोड़ते जाएंगे, या तो किस में निकलेगा पॉजिटिव में, या फिर निकलेगा नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में निकला तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो, अगर नेगेटिव में आया तो पता है क्या लिखना है आपने, कैश यूज्ड। तो पॉजिटिव आएगा तो कैश फ्लो, नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड, फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इनकम टैक्स रिबेट नहीं, रिफंड। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा देते हैं तो वापसी मिल जाता है, वो उसे इनकम टैक्स रिफंड कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए पहला हेडिंग कंप्लीट, अब आगे आ जाते हैं दूसरे हेडिंग पे। सर दूसरा हेडिंग क्या होगा, दूसरा हेडिंग क्या होगा, दूसरा हेडिंग जो होगा आपका वो होगा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम, देखो मैं आई और ए कर रहा हूं, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत छोटा सा एक हेडिंग है ये, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। इसके अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए इधर से ये बातें तो हटा देते हैं, किसी काम का है नहीं अभी फिलहाल। क्या क्या कंसिडर करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका ये रिलेटेड होता है फिक्स एसेट से। तो अगर आपका इन केस परचेज, आपका पहले ऐड वाले पॉइंट कर देते हैं, ऐड कब होगा, या तो आप सेल कर दो, क्या सेल करना है सर, फिक्स एसेट्स हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, बेचने की बात कर रहे हैं, या तो आप फिक्स एसेट्स बेचिए तब भी पैसा आएगा, और इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तब भी पैसा आएगा, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इस कॉलम में लिखिए, इस कॉलम में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या ऐड होगा सर, कुछ इनकम जो कि मिल रहा है हमें, जैसे रेंट सर, और इंटरेस्ट, और देखिए मैंने फॉर्मेट में बताया था ना, वहां जाके वहां, तो देखिए यहां पे जो मैंने माइनस किया है ना इंटरेस्ट रिसीव, वही वाला यहां पे ऐड हो रहा है, यहां पे जो माइनस किया है ना रेंट रिसीव, वही ऐड हो रहा है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो पहली क्लास जिन बच्चों ने ध्यान से देखी, दिक्कत है ही नहीं जी इसमें तो बिल्कुल भी। ठीक है ना, ये चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस भी करना है, क्या लेस करना है, परचेज ऑफ क्या क्या, फिक्स एसेट्स, या तो फिक्स एसेट्स खरीद लो, या इन्वेस्टमेंट, या फिर गुडविल, गुडविल भी तो खरीदना बताया ना मैंने, या फिर गुडविल, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसको हम करेंगे कंसीडर, ये सारा माइनस प्लस हम यहां लिख देते हैं, और ये ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए तो आप मैनेज करिएगा इसको, ये इसको टोटल करके यहां पे लिखेंगे। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना 99% चांसेस मान के चलो कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आना बेहतर होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब माइनस में आएगा मतलब हम एसेट्स को खरीद रहे हैं, और बिजनेस में एसेट्स को खरीदने का मतलब होता है बिजनेस की कंडीशन अच्छी है। ठीक है ना, तो चलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, अगर या जवाब आया आपका प्लस में या माइनस में, तो अगर प्लस में आया तो लिखोगे कैश फ्लो, और माइनस में आया तो किससे, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शायद दिखने में आपको नीचे प्रॉब्लम हो तो मैं जूम करूंगा अगर आपके लिए, तो आप समझ जाइए, देखिए मैं बर्बरली तो बोल रहा हूँ, बाकी जब ये वीडियो बाद में फिल्टर होके जाएगा आपके एप्लीकेशन में तो बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा विजुअल बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ, नीचे वाले हो जाएगी बातें। ठीक है ना, मैं जब नोटिंग के लिए दूंगा टाइम तब मैं नीचे दिखा दूंगा। चलिए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, फॉर्मेट तो चलता ही जा रहा है हमारा, आगे चलते हैं।
आगे पॉइंट आएगा, ये टू बी कंटिन्यू लेके चलना है आपने, ठीक है ना। अब आ गया नंबर किसका सर, अब आ गया नंबर हमारा सी का। सी का मतलब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, ये है हेडिंग। अब बताइए, आप कमेंट में भी बताएंगे और सभी आप भी बताएंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस बैलेंस शीट के किस पॉइंट से रिलेटेड होता है, बताइए। दो चीजें रहती है आपकी, क्या क्या रहता है, एक होता है हमारा शेयर कैपिटल और एक होता है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो जवाब भी आ गया उसके अकॉर्डिंगली। चलिए तो यहां पे देखते हैं, पहला पार्ट एड वाले की बात कर लेते हैं। एड में क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, एससी लिख रहा हूं या मैं अलग अलग लिख देता हूं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब जानते हो, दो तरीके का शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है और एक प्रेफरेंस शेयर में हमें फिक्स रेट होता है और इक्विटी में ऐसा कोई रेट नहीं होता, किसका, डिविडेंड का, ठीक है ना। और अगर आपने इशू किया है, इशू का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इशू हुआ, एडजस्टमेंट में देगा, बिल्कुल एडजस्टमेंट में भी दे सकता है। या फिर आपको मान लेते हैं 2 साल का डेटा गिवन है और मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिखा 5 लाख और यहाँ 6 लाख, तो आप समझ जाओ कि ये 1 लाख बढ़ा इसलिए क्योंकि हमने इशू किया होगा। समझ में आई बात आपको, तो ये आ गया इशू ऑफ शेयर्स। इसे भी आप यहाँ लिख लें या अंदर लिख लें, आपकी इच्छा है। और क्या होगा, लोन टेकन, आपने लोन टेकन किया होगा, फिर से पैसा इनफ्लो होगा ना, वो सारी बातें वो ऐड हो रही है जिसमें पैसा आ रहा है। और क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट सर। और क्या हो सकता है, इशू डिबेंचर सर। और कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। समझ रहे हैं बात को, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। लेस क्या क्या होगा सर, लेस होगा रिडम्शन, REDEM कर रहा हूं, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा लेस, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर। और क्या लेस होगा, और लेस होगा हमारा बाय बैक, अगर क्वेश्चन में बोलेगा, बहुत रेयर केस है कि बोलेगा आपको। और देखिए जितने बच्चे हैं ना, मैं आप सभी स्टूडेंट को ये भी कहूँगा कि भाई जो पुरानी वीडियोस हैं, चाहे शेयर कैपिटल के हैं, चाहे आपके बायबैक के हैं, चाहे बोनस, वो सारे देखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर लाइव में होना पॉसिबल नहीं है, वो सीक्वेंस में जितने हो गए, क्योंकि हम मेन चैप्टर जो है ना कैश फ्लो हम लाइव में करने वाले हैं और आगे एमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन वो सारी लाइव में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन द सेंस के ज़्यादा टाइम दे के करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या लेस होगा सर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। और क्या होगा, डिविडेंड पेड। सर और कुछ भी लेस होगा कि अगर इन केस आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हो तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर रहे हो तो लेस हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए यहां पे आपने जैसे किया, इस हेडिंग का नाम क्या आएगा सर, इस हेडिंग का नाम आएगा, या तो आएगा कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा आगे भी जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपको पूरा लाइन से लिखना है ये चीज़ें।
जैसे ही हमारा देखा जाए तो हमने एक को नाम दिया क्या ए, एक को नाम क्या दिया बी, एक को नाम क्या दिया सी, यानी ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर तीनों को जोड़ लेंगे। सर ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर तीनों को जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब हम निकालेंगे, अब अगला हेडिंग हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, अगला हेडिंग जो है ना वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हेडिंग है, ये निकालना है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर करते हैं ए प्लस बी और प्लस सी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस ए और किस बी और किस सी की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इन तीनों के आंसर को यहाँ जोड़ दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सर इसमें ओपनिंग बैलेंस किसका ऐड किया जाएगा? तो मैं सिंपली बता दूं, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया जाएगा किसका? एक तो कैश का और एक बैंक का और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी, एमएस लिख रहा हूँ मार्केटेबल सिक्योरिटी को, एमएस लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा मैं इसको। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा, जिसको विजुअल नहीं हो रहा मैं अभी दिखा देता हूँ, जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा, जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स इट। बाकी प्रैक्टिकल में करेंगे तो हम अच्छे से इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है ना? सर यहाँ पे ए बी सी तो समझ में आ गया, अगर कोई माइनस में आ रहा हो तो माइनस का अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना, प्लस में आ रहा हो तो प्लस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस किसका लेना है? कैश का, बैंक का और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को ही मार्केटेबल सिक्योरिटी कहा जाएगा, ध्यान रखना है आपने, करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी कहा जाएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी यहां प्लस करना है। तो सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या करंट लाइव करंट एसेट्स का पार्ट है? तो जवाब है करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होगा। तो अब ध्यान देना, दो चीजें हो गई करंट एसेट्स में नॉट इंक्लूड करने वाला, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों बातों को हम करंट एसेट्स में कंसीडर ना करके तो सर कहीं तो करेंगे, यहां पे करना होता है, ठीक है। यहां पे एक दो पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, बाकी मैं ओरली वर्बली बोल देता हूं। अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हो रहा हो, पेटेंट अगर रिटर्न ऑफ हो रहा हो तो यहीं पे एड ऑन होगा। पेटेंट भी गुडविल के तरीके से होता है, मैंने हालांकि गुडविल लिख दिया है, स्लैश करके लिख देता हूं, चलो पेटेंट लिख देता हूं, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कोई भी रिटर्न ऑफ हो रहा हो तो ये, तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है जिसको हमने समझा भी और लिखा भी। अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट पे आएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे एक एक करके, और जब दो से चार एडजस्टमेंट हो जाएगा तब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ पाएंगे, ठीक है। एक बार फटाफट इसको नोट करिए, और जो बच्चे कहते हैं कि सर हम बाद में भी इसको नोट कर पाएंगे तो वो भी नोट कर, बाद में नोट कर लीजिएगा ताकि मैं एडजस्टमेंट करा पाऊँ। और जो इमेज, इमेज तो देखो स्क्रीनशॉट तो लगना है नहीं, फिर भी अगर कोशिश करते हो कि दूसरे फ़ोन से क्लिक कर लो। बाकी ये वीडियो आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड हो के आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, दो से चार घंटे बाद ये विजुअल हो जाएगा। कैसे करेंगे मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको, नोटिंग करने का तरीका जो हम एडजस्टमेंट आज करेंगे, तो नोटिंग करने के अंदर आप जो फॉर्मेट वाला पेज है उसके बाद से ही आप नोटिंग स्टार्ट करेंगे, और हम सारा एडजस्टमेंट एक ही जगह रखेंगे। तो पहले दो चार एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद कितने पेजेस छोड़ने वो सब भी मैं बता दूंगा। पहला एडजस्टमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एडजस्टमेंट नंबर वन, सर एडजस्टमेंट नंबर वन किसका है? प्रोविजन फॉर टैक्स का है। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक सेकंड मार्कर देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप सभी ना ध्यान दीजिएगा और साथ के साथ आप बताते भी जाइएगा।
ठीक है ना, जो जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं आपने बताते जाना है। जो लाइव वाले बच्चे हैं, मेरा आपको बुक भेजी थी आपने दी नहीं रितु, अभी मैंने देखा ही नहीं क्योंकि ना मेरी क्लासेस जब होती है लगातार तो मैसेज देख नहीं पाए। मैं अभी देखूंगा रितु, बुक भी देख लूँगा कौन सा है, और नो डाउट इतने पुराने भी नहीं होगी, उसमें मिल जाएंगे सारी चीज़ें। प्रोविज़न फॉर टैक्स, सर प्रोविज़न फॉर टैक्स, सबसे पहले तो टैक्स के पॉइंट को समझते हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है। फॉर्मेट देखा था ना ऑपरेटिंग का, उसके अंदर एक जगह मैंने ऐड करवाया और एक जगह लेस। रीजन मान लेते हैं हमारे पास एक साल है और ये वाला साल हमारा है 2020 और 2021। आप मुझे जवाब दीजिए सिंपल सा, ये 2020 और 21 का मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021, यही मतलब है इसका। सर इस टाइम पे हम ना इनकम ना कब कमाएंगे कब नहीं कमाएंगे, तो जवाब है सर हम 1 अप्रैल से कमाएंगे और 31 मार्च 2021 के रात के 12 बजे तक पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस आ गया, तो ऑनलाइन में जो शॉपिंग कर रहा है वो ये थोड़ी देखेगा 31 मार्च है तो आज मत खरीदो, बैलेंस शीट खराब हो जाएगी उसकी, उसको तो खरीदना ही खरीदना है। तो इसका मतलब सर अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाइए, बैलेंस शीट बनाना है आपने 31 तीन 2021 वाले दिन बनाना है, तो क्या ये पॉसिबल है 31 मार्च 2021 वाले दिन मुझे बैलेंस शीट बना के दिखा दो आप? क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा जो इसी दिन बैलेंस शीट बना के तैयार करता होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इस दिन तक तो काम ही चल रहा है। आप फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बैलेंस शीट में कितना डेटा आता होगा तो ये कैसे करेगी? तो बट ऑब्वियस है यहां तक का बैलेंस शीट बनता है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए सरकार हमें थोड़ा सा टाइम दे देती है, यानी 30 सितंबर का टाइम दे दिया, 30 सितंबर का टाइम दे दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने बोला सर आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है। इन ड्यूरेशन में, जो ये वाला ड्यूरेशन है आपका, इन ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, यानी आपको अपना बैलेंस शीट और यहां तक आप क्या निकाल लीजिए अपना प्रॉफिट। सर हम प्रॉफिट निकालेंगे क्यों? टैक्स तो देना है ना भाई आपने, और टैक्स किस पे दोगे? प्रॉफिट पे दोगे। और इस दिन बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल नहीं है, सरकार ने इतना सारा टाइम दिया 6 महीने का, क्योंकि आप देखोगे तो 30 सितंबर लास्ट डेट होता है, तो 6 महीने का टाइम दिया। यहां तक आप क्या करोगे? अपना बैलेंस शीट बना के तैयार करके किसी भी डेट पे, और इस डेट तक आप टैक्स भर देना। अगर इस डेट पे आपने टैक्स नहीं भरा और डेट एक्सीड हुआ तो फाइन लगता है आपके ऊपर। तो सर एक साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 2 साल इन्वॉल्व हो गए यहां तो। कैसे सर 2 साल इन्वॉल्व हो गए? हम तो 2021 की बात कर रहे थे और 2021 करते करते हम 21 और 22 के अंदर इन्वॉल्व हो गए, है नहीं? तो मैं अगर बोलूं कि टैक्स निकाला, मान लेते हैं आपका टैक्स आया 10 लाख रुपए का, क्या आप सरकार को यह टैक्स का पैसा दोगे या नहीं दोगे? देना पड़ेगा भाई, नहीं तो घर सब कुछ। आपने सुना होगा एक इत्र कारोबारी था, थाना भी यूपी का एक इत्र कारोबारी था कोई, उसके 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए घर में कैश बरामद हुए थे अभी जब इलेक्शन चल रहे थे यूपी में, तो अगर आपने सुना होगा। तो वो सब कुछ ले जाएगा इनकम टैक्स वाला, तो 10 लाख रुपए पे आप टैक्स दोगे, दोगे या नहीं दोगे? दोगे। किस साल, कब दोगे आप मुझे ईयर बताना, किस साल के बीच में दोगे? 2021 के बीच में दोगे या 21-22 के बीच में दोगे? 21-22 के। ये कैसी कहानी है, कमा आप अब रहे हो, दे बाद में रहे हो, यानी इस साल का जो प्रॉफिट कमाई होगा
यानी ये वाला जो प्रॉफिट है ये बिलोंग्स इस साल से करता है। मैं बोलूं अकाउंटिंग करो आप करंट ईयर, करंट ईयर मतलब 2021 का, 31 मार्च 2021 का, तो आप इस साल की कैलकुलेशन वगैरह सब कर तो लोगे, लेकिन थोड़ा समय चाहिए होगा, और जब टैक्स पेड करोगे तो इस साल टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपको डेफिनेटली कौन से साल में जंप करना पड़ जाएगा, अगले साल में। तो करंट ईयर का टैक्स क्या इस साल के प्रॉफिट पे पेड किया जा सकता है करंट ईयर में? तो जवाब है नहीं। तो सर यहां पे भी ऐसा ही तो कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा। अगर बात करें 19 और 20, तो यहां पे भी हमने खूब कमाया होगा, अर्निंग किया होगा यहां से लेके यहां तक, तो इसके टैक्स का पेमेंट कब कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं यहां 30 सितंबर को। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बच्चे यूट्यूब पे भी देखते हैं तो उनसे भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इस साल का डेटा प्रिपेयर करना है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस साल का डेटा प्रिपेयर करना है, और इस साल के डेटा के प्रिपेयर करने में टैक्स की अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, पेमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो जो मैं टैक्स की पेमेंट इस साल में कर रहा हूँ, क्या इस साल की इनकम का कर रहा हूँ या पिछले साल की इनकम का? तो यानी जो टैक्स पे हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, और जो इस साल की इनकम का टैक्स है वो पेड हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। लेकिन जो टैक्स है वो प्रॉफिट में से तो माइनस हो जाता है इस साल, और जब प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है तो पेमेंट तो किया ही नहीं, समझ रहे हो, पेमेंट तो किया नहीं, लेकिन प्रॉफिट में से क्या करके बैठ गए, माइनस, तो नो फ्लो आइटम नहीं हो गया ये। दिमाग लगाओ, पहली क्लास को याद करो, और फॉर्मेट को भी ध्यान से अगर आप याद करोगे अभी जो करा था हमने, तो नो फ्लो आइटम हो गया ना ये, तो इसलिए बोला जाता है, मैंने लिखवाया है फॉर्मेट, अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिमाइंड हो तो ध्यान से देखिए, लिखवाया है करंट ईयर का ऐड, लिखवाया ना करंट ईयर का, रीजन क्योंकि करंट ईयर का टैक्स का पेमेंट होता ही नहीं है करंट ईयर के अंदर, होता तो है नेक्स्ट ईयर में होता है, और क्या लिखवाया है, प्रीवियस ईयर का लेस, सबसे लास्ट में लिखवाया था ना टैक्स पेड लेस, क्यों होता है सर प्रीवियस ईयर का लेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला ही तो पेमेंट हो रहा होता है जिस साल की हम अकाउंटिंग, जिस साल का हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो, तो इसलिए माइनस होता है, समझे, समझ में आई बात आपको? तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है के करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो पार्ट डेवलप हो जाता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। एग्जामिनर यहीं पे आपसे पॉइंट पूछता है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स पे कितने तरीके से सर एडजस्टमेंट हो सकता है? इस पे तीन तरीके से एडजस्टमेंट हो सकता है, मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, यहां कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सबको एक ही बार, एक एडजस्टमेंट है तो एक ही जगह लेके चलूंगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है ना सर? इसमें क्या हो सकता है अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं, हो सकता है आपको गिवन हो बैलेंस शीट में, ओनली इन बैलेंस शीट, मैं BS लिख रहा हूं बैलेंस शीट को, सर ओनली इन बैलेंस शीट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपको कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा, ये बैलेंस शीट है, न्यू फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट आपके सामने बना दिया, ये बैलेंस शीट है, और यहां लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये 2020 है और ये 2021 है, मान लेते हैं 5 लाख और ये 6 लाख, आप मुझे बताइए हम जो कैश फ्लो बनाएंगे वो इस साल के लिए बनाएंगे, तो करंट ईयर का टैक्स कितना है और प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना है? तो आपको पता है जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो सालों का आपको टैक्स गिवन हो, तो हम प्रीवियस ईयर वाला क्या कर देते हैं, माइनस, क्यों करते हैं, लॉजिक अभी बताया, और करंट ईयर वाला क्या कर देते हैं, ऐड। तो जब ये सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, जब ओनली बैलेंस शीट में गिवन हो, तो इसके नीचे मैं यहाँ दो लाइन खींच रहा हूँ और उसके लिए बता देता हूँ कि क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर का, CA का मतलब करंट ईयर है, ठीक है, करंट एसेट्स मत कर लेना, लिख देता हूँ, सॉरी CY, करंट ईयर, और PY मैं डिनोट किससे कर रहा हूँ, बताइए, PY का मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर वाला ऐड हो जाता है, कहां ऐड होता है सर, नेट प्रॉफिट में,
और सर प्रीवियस ईयर वाला लेस हो जाता है, कहाँ लेस होता है, कैश आफ्टर, किसके बाद होता है लेस, याद करो, आफ्टर कैश जनरेशन फ्रॉम है कि नहीं, माइनस हो जाता है कहाँ, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ रही है बात आपको, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपको गिवन हो सकता है कि बैलेंस शीट में गिवन हो एंड साथ के साथ आपको एडजस्टमेंट में भी गिवन हो। अगर आपको बैलेंस शीट में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है तो आपको प्रिपेयर करना होगा अकाउंट। सर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे अभी समझ लेते हैं। अकाउंट जब बनाने को आ जाता है ना तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन बच्चों का मानना है कि मुश्किल हो जाता है। अकाउंट बन गया पर्टिकुलर, देखना ये आप खुद ही बनाओगे अभी अकाउंट, बस मैं पूछूंगा आप जवाब देना। ये बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट्स होता है या लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होगा, और लाइबिलिटी का बैलेंस स्टार्ट होने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप बोलना चाहते हैं कि सर बैलेंस जो होगा बीडी वो इधर होगा, करेक्ट? तो सर अगर इसका बैलेंस बीडी यहाँ है तो सीडी आप बता सकते हो कहाँ होगा, टू साइड में क्या होगा बैलेंस, सीडी आपने बोला सर डेबिट साइड में होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर बैलेंस बीडी यहां पे, बैलेंस सीडी यहां है, तो हमेशा याद रखना जहां बैलेंस बीडी होता है ना उस साइड जाओगे तो प्लस होता है, और जहां बैलेंस सीडी होता है ना उस साइड अगर जाओगे तो माइनस होता है, क्योंकि ये शुरुआत यहां से हो रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो इसका मतलब माइनस करना है, और शुरुआत यहां से हो रहा है और इधर ही डायरेक्शन में लिखेंगे तो मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगर मैं इनकम टैक्स का पेमेंट करूं, ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर मैं इनकम टैक्स का पेमेंट कर दूं जाके सरकार को, तो बताओ हमारा टैक्स कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो आप लॉजिक के हिसाब से दिमाग लगा के बताओ, टू में लिखना चाहिए बाय में, तो जवाब आपको मिल गया, आपने ही दे दिया। सर अगर इनकम टैक्स पेड होगा तो आप यहां पे टू बैंक लिखिएगा, और बैंक लिख के ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, आप पेड लिख दीजिएगा। समझ में आई बात आपको? अगर हमारा इनकम टैक्स इस साल बनाया है, चार्ज किया है, तो उससे पेमेंट नहीं किया, सिर्फ बना के रख लिया है हमने, तो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा प्रोविजन लाइबिलिटी, तो किधर आना चाहिए, तो यहां पे बाय साइड में आ जाता है, कैसे, जिसको हम मेड बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं मेड, मेड का मतलब इस साल का बनाया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम एक बात याद रखना, कभी भी बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। होता क्या है, उससे निकलने वाला अमाउंट जो फाइंड किया है वो। तो आप मुझे इस पूरे अकाउंट के अंदर बताइए कौन कौन सा ऐसा है बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी को छोड़ के जिसको हमने फाइंड किया है, एक तो ये हो सकता है, और एक तो ट्रीटमेंट भी क्या जाएगा, क्या बैलेंस बीडी का कहीं ट्रीटमेंट जाएगा, अभी बताया मैंने कहीं नहीं जाएगा। बैलेंस सीडी कहीं कैश फ्लो में जाता है, नहीं जाता, तो क्या जाएगा ये दोनों पॉइंट, सर ये दोनों पॉइंट कहां जाएंगे, अगर मेड है तो ये पेमेंट नहीं हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा ये, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा ये कहां, नेट प्रॉफिट में। सर पेड हुआ है तो कहां जाएगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, लेकिन लेस हो जाएगा, कहां से लेस होगा, दिमाग लगाओ, याद करो, याद करो, कहां से लेस होगा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन से, कहां से लेस हो जाएगा, लेस आफ्टर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आई बात आपको? सर एक बार क्वेश्चन अगर दिख जाता, एग्जाम्पल दिख जाता तो समझ में आ जाता कि किस तरीके से होगा। तो एक P&L कह लो, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कह लो, वहीं तो जाता है ये, अब टैक्स बनाओगे तो वहीं तो लिखोगे। चलिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं ओरली पूछूंगा आपको। लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000 और 2,00,000, ये 2021 है, ये 2022 है, 1,00,000 2,00,000। नीचे लिखा
ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, साल के दौरान में हमने पेड कर दिया 50,000 का, हमने पेड कर दिया कितने का, 50,000 रुपए का। समझ में आ रही है बात आपको? तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 1,00,000 और 2,00,000, तो बताओ यहां पे बैलेंस बीडी कौन सा है? 1,00,000, 1,00,000 यहां आ जाएगा। बैलेंस सीडी क्या है? 2,00,000 यहां आ जाएगा। इसको तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। इसके बाद पेड दे रखा है तो पेड किधर आएगा? टू साइड बैंक में आ जाएगा। और एक और अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा ना, क्या आंसर निकलेगा? ये वाला बैलेंसिंग फिगर, और इसे लिख देंगे हम। यानी आपको या तो पेड देगा तो आप यहां लिख के मेड निकाल लोगे, या आपको ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स चार्ज बोलेगा, प्रोवाइड बोलेगा, मेड बोलेगा, तो आप इधर लिखोगे तो उसका बैलेंसिंग फिगर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए किसी का इसमें डाउट है इस पॉइंट में? तो यह थर्ड पॉइंट को लिखने के बाद ही एक साथ डाउट ले लिया जाएगा। एक और है थर्ड पॉइंट, उसके साथ ही ले लूंगा। थर्ड पॉइंट को लिखने के बाद अगर आपको प्रोविजन फॉर, देखो ये भी बैलेंस शीट में और ये भी बैलेंस शीट में, लेकिन यहां बैलेंस शीट के नीचे कोई एडजस्टमेंट, और यहां बैलेंस शीट के नीचे मैंने एग्जांपल में एडजस्टमेंट ले लिया है। अगला आएगा आपको गिवन हो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर जब आपको गिवन होगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसमें क्या करते हैं हम, दो जगह जाएगा, एड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट और लेस हो जाएगा आफ्टर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। सर एड होगा लेस होगा, लेकिन कौन सा अमाउंट? दोनों केस में हमारा सेम अमाउंट, दोनों केस में हमारा कौन सा अमाउंट? सेम अमाउंट। सर अब सेम अमाउंट का मतलब क्या है और ये लॉजिक क्या है, ये भी समझ लेते हैं। हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स दे रखा है, हम ये अजम्पशन लेते हैं पिछले साल भी यही प्रॉफिट रहा होगा, तो टैक्स की पेमेंट की बारी होगी, तो पिछले साल यही प्रॉफिट रहा होगा तो यही टैक्स पे किया होगा। तो अजम्पशन ले लेते हैं कि यही वाला टैक्स हमने बनाया भी है इस साल और यही टैक्स पिछले साल वाला पेड किया होगा, तो इसलिए सेम अमाउंट क्या कर देते हैं, ऐड, और सेम अमाउंट लेस। सर एक बार फॉर्मेट कैसे दिखेगा, बहुत रेयर है लेकिन दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। मान लेते हैं इनकम स्टेटमेंट है, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट करके आ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं करा वो फाइनल अकाउंट करेंगे तो समझ जाएंगे। वो फाइनल अकाउंट के अंदर हुआ, यहाँ पे लिखते थे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसमें माइनस क्या करते थे, टैक्स, फिर क्या आता था, प्रॉफिट आफ्टर। तो ये वाला टैक्स आपको दिखे अगर ऐसे पीएनएल के फॉर्मेट में, तो उसी अमाउंट को ऐड कर दीजिएगा, उसी अमाउंट को लेस कर दीजिएगा। ऐड कहाँ करना है, नेट प्रॉफिट में, लेस कहाँ करना है, कैश जनरेशन और फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछिए आप। फिर ये था हमारा पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एडजस्टमेंट हमने डन कर लिया। कोई डाउट है तो बताइए, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो।